हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से इलेक्ट्रल खजाना में। तो फ्रेंड्स, आप सभी को इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ, इरकाना में रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है आप सभी स्टूडेंट के लिए, टेक्निकल स्टूडेंट के लिए। तो चलिए, जैसे हम इसके ऑफिशियल साइट पे यहाँ पे हैं, जैसे हम नीचे चलते हैं एडवर्टीजमेंट देखते हैं, तो वहाँ पर नोटिफिकेशन आउट हो चुका है आप सभी के रिक्रूटमेंट को लेकर के। ठीक है, तो उस नोटिफिकेशन को हम डाउनलोड करते हैं पहले, उसके बाद सारा चीज़ क्लियर करने की कोशिश करते हैं। पर उससे पहले डिफरेंट एक बात और करना चाहेंगे, अगर आप चैनल पर नए हो, टेक्निकल स्टूडेंट हैं, कहने मतलब आप पॉलिटेक्निक किए हैं, फिर ITI किए हैं, फिर BTEC किए हैं, तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सभी को ऐसे ही टेक्निकल के हर प्रकार के वैकेंसी से रिलेटेड फुल नोटिफिकेशन अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए, जैसे हम नीचे चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट इन एंड इलेक्ट्रिकल डिस्प्ले लाइन वाइड एडवर्टीजमेंट 6/2022 क्लिक। तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और अप्लाई ऑनलाइन, मतलब यहाँ पे आप इसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसको आप अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले इसका नोटिफिकेशन हम डाउनलोड कर लेते हैं, फिर सारा चीज़ क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो आप देख सकते हैं इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड ऑलरेडी हो चुका है। तो जैसे हम चलते हैं इरकाना इंटरनेशनल लिमिटेड और नीचे चलते हैं, अब वैकेंसी देखते हैं, वैकेंसी डिटेल्स। तो पोस्ट एंड स्केल एंड पे, और यहाँ पे देख सकते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट क्या होना चाहिए, और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। ठीक है, तो जो पहला पोस्ट है आप सभी का ज्वाइंट जनरल मैनेजर का है, इसमें सैलरी होगी आप सभी की 80,000 से लेकर के 2,20,000 रुपये होगा आप सभी का सैलरी। ठीक है, ओवरऑल पर मंथ का। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए क्या चाहिए, फुल टाइम ग्रेजुएट डिग्री विथ नॉट लेस देन 60% मार्क फ्रॉम रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड बाई AICTE इन एनी वन फॉलोइंग स्पेशलाइजेशन। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन स्टूडेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन स्टूडेंट अप्लीकेबल होंगे। ठीक है, इसके मैक्सिमम एज लिमिट की अगर बात करें इस वैकेंसी का, तो 45 ईयर्स इसका मैक्सिमम एज लिमिट है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस भी होना मस्ट है, टोटल एक्सपीरियंस 13 साल का एक्सपीरियंस होना यहाँ पे मस्ट है। ठीक है, और या फिर इसके जगह पे देखिए ये भी हो सकता है, वर्किंग फॉर 2 ईयर इन स्केल ऑफ आर्या 70,000 से लेकर के 2,00,000 आइडियल पर लेवल 11 CDA की तरफ से आप सभी को 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और जो सेकेंड पोस्ट है आप सभी का, टोटल पोस्ट है इसमें एक, और जो ऊपर वाला था इसमें जो टोटल पोस्ट था, इसमें टोटल पोस्ट था 5 पोस्ट था। ठीक है, और नीचे भी आप देख सकते हैं, तो इनका भी देखिए टोटल एक्सपीरियंस 13 साल का होना चाहिए इस वैकेंसी के लिए। ठीक है, ये वैकेंसी कौन सी है देखिए आगे यहाँ पे, ये वैकेंसी है आप सभी का जनरल मैनेजर SNTE4 है। ठीक, फुल टाइम ग्रेजुएट डिग्री विथ नॉट लेस देन 60% मार्क फ्रॉम रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट। तो आप देख सकते हैं इफ़ वर्किंग इन PSU सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, रेलवे, टोटल एक्सपीरियंस मतलब होना चाहिए। देखिए कुल मिलाकर के ये वैकेंसी जो है वो एक्सपीरियंस स्टूडेंट के लिए है। तो अगर आपके पास या फिर आपके साथ कोई स्टूडेंट है जो एक्सपीरियंस है, जिनके पास अच्छा खासा, तो वीडियो को उनके पास जरूर शेयर कीजिएगा, उनको ये फॉर्म जरूर अप्लाई कराइएगा, इसमें होने का चांस बहुत ही ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो आगे भी आप देख सकते हैं और भी बहुत सारे पोस्ट हैं, मैनेजर एंड SNTE3 की भी पोस्ट है। इसमें सैलरी देखिए काफ़ी अच्छी सैलरी है, 60,000 से लेकर के 1,80,000 सैलरी है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल टाइम ग्रेजुएट, देखिए BTEC स्टूडेंट प्लस एक्सपीरियंस, BTEC भी होना चाहिए प्लस एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये उनके लिए वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इफ़ वर्किंग इन PSU सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, रेलवे, तो टोटल एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल यहाँ पे। ठीक, और आगे भी देख सकते हैं, तो काफ़ी सारी वैकेंसी आई हुई हैं, तो वीडियो को रोक करके सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस फॉर्म को आप जरूर अप्लाई करेगा अगर आपके पास अच्छी खासा एक्सपीरियंस है। बाकी इधर देखिए जो नीचे, जब जैसे जैसे आप नीचे चलेंगे तो जो भी आगे नेक्स्ट पोस्ट आएंगे उनके लिए बहुत कम एक्सपीरियंस मांगेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है सिर्फ, और इनका जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 साल है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फुल टाइम बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। ठीक, और इनका जो पोस्ट है वो सैलरी, पहले सैलरी जो है वो 40,000 से लेकर के 1,40,000 होगा। इनका जो टोटल पोस्ट है वो 5 पोस्ट है, UR का 4 है, OBC का 1 है। ठीक, और पोस्ट नेम क्या है इनका, असिस्टेंस मैनेजर इलेक्ट्रिकल E1 इनका पोस्ट नेम है। ठीक, तो इसी सिक्वेंस में आगे भी देख सकते हैं एग्जीक्यूट इलेक्ट्रिकल की भी पोस्ट यहाँ पे आई हुई है। इनमें अगर हम बात करें नंबर ऑफ पोस्ट की, तो 6 पोस्ट है, UR का 5 है, OBC का 1 है। सैलरी की अगर हम बात करें तो 30,000 से लेकर के 1,20,000 इनकी सैलरी होगी। मैक्सिमम एज लिमिट है 33 साल। बाकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया उनका वही सेम होगा जो अभी जस्ट ऊपर था। ठीक, बाकी एक्सपीरियंस देखिए यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस होना मस्ट है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ठीक, बाकी आगे और भी सारा इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको हम करने की कोशिश करेंगे, बस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहिएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड आगे देखिए,
जनरल इंस्ट्रक्शंस कुछ है, इसको आप वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। हाँ, फॉर्म भरने का जो फीस है, यू आर ओ बी सी का जो स्टूडेंट है उनको आप 1,000 रुपये लगेगा पर कैंडिडेट फीस का, मतलब पर कैंडिडेट फीस अप्लाई करने का, फॉर्म अप्लाई करने का जो फीस लगेगा वो 1,000 रुपये लगेगा। अगर आप एस सी एस टी ई डब्ल्यू एस एक्स सर्विसमैन के स्टूडेंट हैं तो आप सभी का 1 करोड़ रुपये नहीं लगेगा, मतलब फ्री में रहेगा। ठीक, चलिए इसी सीक्वेंस हम आगे बढ़ते हैं। तो परसेंटेज आप मार्क इन एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना नंबर आप सभी का होना चाहिए, और ये देखिए 9 पेज का पीडीएफ है। तो आगे चलते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे जो कि आप सभी को जानना चाहिए। तो इससे हमारा एम तो ये रहता है कि हर प्रकार के वैकेंसीज को आप सभी को नोटिफाइड करा देना किसी भी प्रकार से। बाकी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देते हैं फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई, मतलब फॉर्म अप्लाई करने का, उसको आप क्लिक करके इसके ऑफिशियल साइट पर जा करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा बड़े आराम से। ठीक है, हाँ एक बात और करना चाहेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का भी लिंक रहेगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे वीडियो नॉर्मली नहीं बना पाते हैं, तो अगर आप टेलीग्राम में ऑलरेडी ज्वाइन रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें देख पाएंगे तुरंत का तुरंत। ठीक है, तो लास्ट में देखिए अब बात कर लेते हैं इसका फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा। तो देखिए फॉर्म भरा जाएगा 23/4/2022 से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, 26/4/2022 तक ये फॉर्म भरा जाएगा। ठीक, तो चलिए और आगे भी देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेट स्टार्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो 2/4/2022 से फॉर्म भरा जाएगा, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 23/4/2022 तक फॉर्म भरा जाएगा। अभी जो हम ऊपर थोड़ा बोले थोड़ा ध्यान नहीं दिए, वहाँ पे पढ़े नहीं हम, तो वहाँ पे ये था कि फीस पेमेंट का लास्ट डेट था। ठीक है, तो जो फॉर्म भरा जाएगा उसमें का 2/4/2022 से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा और 23/4/2022 तक फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, और जो फीस कटने का डेट है वो 26/4/2022 तक है। ठीक, तो ये तरह आप सभी का फुल नोटिफिकेशन अपडेट। एक्सपीरियंस स्टूडेंट प्लस बीटेक भी होना मस्ट है। ठीक, तो यहाँ पे पॉलिटेक्निक या फिर आईटीआई स्टूडेंट अप्लीकेबल नहीं, ओनली वन बीटेक प्लस एक्सपीरियंस स्टूडेंट के लिए ये वैकेंसी खास कर है। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं नोटिफिकेशन अपडेट्स आप वाकिफ हो चुके होंगे, वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो ऐसे टेक्निकल से हर प्रकार का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना है, बाकी फिर मिलेंगे एक नए नोटिफिकेशन एक नए अपडेट के साथ। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून नेक्स्ट टाइम।